They say that the road has answers to everything. तेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं. Take that road trip. सुबह की पहली किरण और उसके साथ ही अपने वेस्टर्न ओडिसी की शुरुआत हो चुकी है. एक खूबसूरत सफर टूवर्ड्स द वेस्टर्न इंडिया. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हम जाएंगे गोवा और फिर हम जाएंगे कर्नाटका के गोकर्ण शहर में और वहां से फिर वापस बैंगलोर. 12 दिन का ये सफर 8 शहरों से होके जाएगा. 3500 किलोमीटर की डिस्टेंस हम कवर करेंगे और ये और सब कुछ होगा अपने बुलेट पर. एक सोलो ट्रैवल, एक एक्साइटिंग जर्नी. A few moments later. चल दोस्तों, अभी हम बैंगलोर से ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर दूर हैं. ये हमारी बाइक है, आप देख सकते हैं, कंप्लीटली लोडेड, completely ready for the Maharashtra ride. और मैं अब साइड व्यू दिखाता हूँ आपको. आई एम समवेयर नियर टुमकूर रोड. ये हाईवे है, टुमकूर हाईवे, जो कि चित्रदुर्गा को क्रॉस करता है. सो आप देख सकते हो यहाँ पे दो सैडल्स मैंने लिए हैं. एक हाइड्रेशन पैक मेरे ऑलरेडी मेरे शोल्डर पे है और ये अपना टैंक बैग, ग्लव्स और ये एयर सीट. सो जब मैंने बैंगलोर से निकला मैं, तो मुझे लगा कि यार कोई मतलब शॉर्टेस्ट जो कम ट्रैफिक वाला रूट होगा वहाँ से मैं जाऊँगा. बट ये गूगल माता जो है, इन्होंने एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध करते हुए मुझे लंबे रूट से और ट्रैफिक वाले शहर के बीचों बीच से निकाला. A few inches later. So I'm on the Mumbai highway right now. और यहाँ से हुबली कुछ 236 किलोमीटर्स है मेरा होटल एग्जैक्टली. सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 3-4 आवर्स आई गेस. मैं आगे जाके भी एक छोटा ब्रेक लूँगा लंच के लिए. अभी मैंने जस्ट कुछ फ्रूट्स मेरे पास थे, सो आई जस्ट हैड इट. और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से. अभी 10 बज चुके हैं. सो विल सी, जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे. रोड्स आर प्रिटी गुड हियर, सो आई थिंक शुड नॉट टेक मच टाइम. 3-4 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे. ये पीछे में टोल है, टोल प्लाजा है, और मैं टोल प्लाजा के थोड़ा आगे आके रुका हुआ. ये वासुकी है और लोडेड लॉक्ड एंड लोड. सी ऑन द रोड. ये प्राइड ऑफ इंडिया, बॉम्बे ग्रैंड ट्रंक हाईवे. ये हाईवे बैंगलोर से लेके मुंबई, पुणे, हुबली और बहुत सारे और भी शहरों को कनेक्ट करता है. इसी हाईवे के लिए आपको कुछ किलोमीटर्स आगे जाके लेफ्ट लेना होता है तो आप हम्पी भी पहुंच सकते हो. मैंने भी यही सेम हाईवे लिया एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मैट स्ट्रेच्ड अक्रॉस हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. और मैंने बस डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. मैंने जिस बाइक को भगाता गया एंड इट वॉज अ थेरेप्यूटिक मोमेंट फॉर मी. इट वॉज ग्रेट. आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट जस्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू से, द रोड्स हैव ऑल द आंसर्स.
Hey guys, so हम लोग कुछ 75 किलोमीटर दूर हैं अभी हुबली से, और ये हमारा फाइनल वाटर ब्रेक था। गर्मी है बट ठीक है यार, मैनेजेबल है। मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, गर्मी इज मच मच बेटर देन बारिश। सो आई कैन बेयर ड्राइविंग इन समर बट आई कैन नॉट बेयर ड्राइविंग इन रेन। सो अभी जस्ट कुछ अराउंड 75 किलोमीटर्स है, आई थिंक एक घंटा और लगना चाहिए या उससे भी कम, और हम फिर एंटर कर जाएंगे हुबली में। सो ये मेरा फाइनल वाटर ब्रेक था। काफ़ी मतलब स्वेट हो रहा था, सोचा यार एक वाटर ब्रेक ले लेते हैं, बेटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन यू नो। सो ठीक है, फिर मीट एट द होटल। फाइनली रीच द होटल स्वर्ण पैराडाइज एट 2:30 PM। ये मेन डोर है, यहाँ पे चाबी लगाने से पावर आती है। ये यहाँ पे आपका सामान रखा हुआ टेबल जैसा, यहाँ पे एक लुकिंग ग्लास है, वार्डरोब है, इधर वॉशरूम है, वॉशरूम डिसेंट है, नहाने के लिए सेपरेट शावर रूम है। ये वार्डरोब है जो कि मैं यूज नहीं करने वाला। इधर मेरा खाना रखा हुआ है, ये रोटी सब्जी और लेमन सोडा। यहाँ टीवी है, मेरी हेलमेट रखी है, इधर सारा सामान पड़ा हुआ है। ये बेड है, अभी ऑफिस का कुछ काम जा रही है तो इसलिए लैपटॉप खुला हुआ है। यहाँ पे पानी बॉटल, बेड काफ़ी डिसेंट लगा मुझे इसका। इधर ऊपर में एसी है अगर आप देख पा रहे हो। बस यही है रूम एंड इट्स गुड इनफ आई गेस। मैं होटल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको पसंद हो तो आप भी बुक कर सकते हो। Thank you. Where are you going?